शादी विवाह भी पड़ा। अरे हाँ भैया, खूब जवान जवान बिटिया, खूब सुंदर सुंदर, कहाँ भाई भैया, कैसे जुन्नी नहीं परत, देर देर पूछा या वदन बानो बाजी लोगन का, कैसे लवले बच्चन का उसके बाद बिटिया भी कहाँ भैया, बताती सयानी बिटिया बताई, रात में लेके पुट पैरी परे बेचारे कौन चुरुए बदमसुए आ जाए, को बचाइए रात में बताओ। कॉलोनी भी दे रहे सर 5 लाख की कॉलोनी, जिसमें से 5,000 रुपए महीना टूट गया। अब आज घर टूट गया सर, घर टूट गया, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बोलो पता नहीं होगा किनका घर टूट भी गया है। अभी लोग जो है खुले आसमान के नीचे मजबूर है रहने के लिए, और बताया जा रहा है कि लोग होटल से खाना लाए थे। सर ये देखिए, आप खुद ही देखिए, सब होटल का खाना है सर, सब बच्चों को देखिए किस तरह खिला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे 5-6 लड़के बच्चे सर, कहाँ जाके जिएंगे हम तो। हम लोग सिलबट्टा साहब छेनी है तबड़ा फोर के तोड़ने वाले, 5 लाख पूरा इनको करेंगे, 5 लाख की किस्त भरेंगे साहब। हर कोई यहाँ पे जिसका घर टूट रहा रो रहा है, पूछो तो उसकी दुनिया तो उजड़ जा रही है। जो गरीब है उसको खलेगा, बड़े आदमी क्या है। इतना ही पैसा होता तो हम लोग साहब नोटिस लगाते, कोर्ट में जाते, कहीं और खरीद लेते साहब, काहे फुट मतलब जमीन जरिया करी, मतलब वहाँ कॉलोनी करी। इसी तरह की हालात है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर सिर्फ रो रहे हैं, जिनका मकान जा रहा है रो रहे हैं। देख सकते हैं चाची, आपका भी मकान तोड़ दिया गया। हमारे भतीजी भतीजा है, ये नाम के हिंदू है मगर हम लोग अलग नहीं इनको मानते भैया, मेरे घर वहाँ पे है मगर हम बैठे इन लोगों के सारे, लोग कैसे काटेंगे रात। अभी तोड़ दिया गया कि नहीं? अभी नहीं, अभी निशान लगा गए, तोड़े नहीं है हम लोग। सब बच्चा मेरा साहब, ये लोग कोटी में थे भैया, सब कोटी में थे, ये तोड़ दिए। कहा जा रहा था कि 2 घंटा आप इंतजार कर लीजिए। कोई भैया महीना मीडिया ने कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई उम्मीद नहीं है भैया। 94 से अनेक कुंवारे नाम शादी नहीं मेरा, 94 से ही कॉलोनी में काम करी थे, सब रिटायर हुए चले गए हैं भैया, जब से करत करत मेहनत मंजूरी जूठन दोत दोत बनाए हैं भैया। हमारे बच्चे यही पत्थर दिन भर काटत है भूखे प्यासे, बताओ इन्ना नन बच्चे तुम कहाँ है, नहीं लागत है मासूमन का बताओ। सरकारी बेचारे पढ़ावत लिखावत है, खुद तो दया करती हूँ भैया इन लोगों के ऊपर। सरकार तो कहती है गरीबों की। सुनो बाबू, अगर इन लोगों के पास पैसा होता तो पैसे वाले कोर्ट पहुँच गए, और गरीब बेचारे कहाँ से जाए, 5-6 हज़ार मांग रहा, कहूँ कहा 3,000 दो, कहूँ कहा 4,000 दो, 3-4 हज़ार वाली औकात है सबकी बताओ। बड़ा बच्चा पढ़ रहा है कि इतने इतने 2 बच्चे हैं वही पढ़ रहे, सयानी जवान बिटिया है, शादी कराई वाली कहाँ लेके जाए बताओ। शादी होने वाली है, बिटिया भी कहाँ भैया, बताती सयानी बिटिया बताई, रात में लेके पुट पैरी परे बेचारे कौन चुरुए बदमसुए आ जाए, को बचाइए रात में बताओ भैया। इनकी बिटिया जवान है, कोई चीज से मतलब नहीं ना उनको, कहते हैं मतलब ये है कि कहते हैं हमको ये जमीन चाहिए तो चाहिए, आप दोगे प्यार करे वाली है, नहीं दोगे मम्मी पापा होते तो इतनी तकलीफ ना होते, कहीं बच्चे जबरदस्ती करके आज मम्मी पापा हम लोग हाँ रोटी हाथ से खवाएं भैया, उनको ऐसे रोटी खवा यू नहीं। एक या और हीर आदमी रहा रामानंद भैया की गाड़ी तक दबा दी, ऐसा सामान निकालत रहे उन सामान बेचारा, नहीं भैया सामान रख के ही गवारा है, नहीं बेचारा रखने गया, सामान डालम रख के बेचारे मोटरसाइकिल भैया क्या करब। अब जहाँ ये सब बच्चे सती है तमाम वो लोग बैठे हैं, कैसे छोड़ दे सबके आगे आगे, जवान जवान बिटिया है 8-10 टोरी, एकदम शादी एक की मंगनी सगाई हुई हो गई, वो जो बैठी रहा उनकी इनकी भतीजी हाँ शादी विवाह भी पड़ा। अरे हाँ भैया, खूब जवान जवान बिटिया, खूब सुंदर सुंदर, कहाँ भाई भैया कैसे जुन्नी नहीं परत, देर देर पूछा या वदन बानो बाजी लोगन का, कैसे लवले बच्चन का करना। उसके बाद से कहते हैं ये तो तोड़ते तोड़ते हैं, इसी से उम्मीद है गरीबों की। कौन सा उम्मीद भैया, आपका उम्मीद है, ये बताइए ये तो तोड़ने कहाँ जाएंगे आप। हाँ जी भैया परे रही भाई, सब जने ये से भैसा कुंड जी भाई, आओ का कर भाई, उठाए उठाए हम जले का पहला तोड़ने को तो तोड़।
इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल बदलेगा इसको लेकर? अब बदली है तब समय, हम तो भैया ही नहीं लोगन का खुले वोट देते रहन राजन बाड़ी के वजह से। राजन बाड़ी भैया है इधर, सब लोग हम लोग उनका पकड़ित रहे, उनका मानित रहे। आदमी देता है, इशारे देता है कि कहते हैं आदमी एक सरकार बनती है, अच्छी सरकार बनती है। हम लोग बहुत अच्छी समझे रहे, बहुत अच्छी सरकार बनाई थी। हाँ, बनाई थी। ये सरकार कहते हैं अच्छी सरकार नहीं बनी, इसलिए भैया शुरू से हम सचिवालय कॉलोनी में काम किए, सारा सचिवालय भैया कमल पर दे रहे थे। उन लोग हम लोगों से कह रहे बिटिया ये बहुत अच्छा है, अब के लिए ये देखो बहुत अच्छा करिए ऐसा भैया अच्छा करी ने, पूछो कि खाना नहीं बच्चन का नसीब है, बताओ ये रोटी बेचारे किस तरह से यहाँ पर हम एक दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन लोगों का जो घर है ना, हिंदू यहाँ है ना कोई मुसलमान, सब यहाँ भाईचारा, एक लड़के एक बच्चा जानो सबके है। तुम कोई मुसलमान से पूछ लो या जा कोई हिंदू से पूछ लो, कभी न लड़ाई न झगड़ा थाने में पता लगवा लो, ना कभी भाईचारे में कोई लड़ाई न झगड़ा न कुछ। ब्याह शादी हो तो एक दूसरे का हम लोग खड़े, सब दूसरे से एक दूसरे। जिस तरह से देख सकते हैं जो हालात तो है यहाँ पर, लोगों का जो है घर गिरा दिया गया है। अभी लोग जो है खुले आसमान के नीचे जो है रहने के लिए मजबूर है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके दर्द को लेकर, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा।